स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आज इस वीडियो में 2023 का फिजिक्स का सॉल्यूशन बताऊंगा। मेरे पास क्वेश्चन पेपर है कोड G1। तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, उसमें दिया था क्या दिया था हम लोगों को, वेलोसिटी स्पीड दिया था, तो स्पीड लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर 280। उसके बाद डायरेक्शन दिया था 30 डिग्री, हॉरिजॉन्टल में 30 डिग्री दिया था, और मैक्सिमम हाइट पूछा था कितना उसके लिए, और दिया था जी का 9.8 दिया था वैल्यू। इधर हम लोग यूज़ करेंगे सॉल्यूशन। इधर देखिए यहाँ पर डायग्राम बना के देते हैं। ए वाला एंगल दिया था 30 डिग्री, हम लोग मैक्सिमम हाइट पूछा है, ये वाला मैक्सिमम अटैम्प करेगा इधर तक। इधर पे वी फाइनल होगा 0, और यहाँ पे यू होगा इतना, इस डायरेक्शन में कितना गया है यू साइन 30 डिग्री हुआ। तो हम लोगों को इक्वेशन में क्या पता चलेगा, देखिए फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, इधर से हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2as, ये वाला निकाल सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, और ए वाला वेलोसिटी हम लोगों का होगा ये वाला, तो लिख लेते हैं यू साइन 30 डिग्री होल स्क्वायर, माइनस ऊपर जा रहा है तो जी माइनस होगा, तो ये वाला लिख लेते हैं 0। इसका वैल्यू कितना दिया था 280 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2 स्क्वायर। इधर से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस इक्वल टू इधर जाएगा तो 190 इंटू 190 वाला स्क्वायर करने से आप लोग को 140 इंटू 140 आएगा, और नीचे का जी इधर 2 जी आएगा, जी हम लोग यहाँ पर 10 लेंगे क्योंकि आंसर ऑप्शन में कैलकुलेशन ज़्यादा दिया था। इधर से हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं, ये वाला से वाला 0 कैंसिल, ये वाला से 7, तो 40 इंटू 7 अप्रॉक्सीमेटली हम लोग के पास आएगा 0.28 to 980, ये वाला अप्रॉक्सीमेटली आएगा आंसर। तो मैक्सिमम हाइट ऑप्शन में दिया था कितना, एस इक्वल टू हम लोग आ रहे अप्रॉक्सीमेटली 190, ऑप्शन में इसका करीब दिया था 1000, तो आंसर हो जाएगा 1000 मीटर, आंसर 1000 मीटर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। लिख लेते क्या क्या दिया है, एंगल दिया था 30 डिग्री, उसके बाद इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दिया था, ई दिया था 2 × 10⁵ कूलम, और टॉर्क दिया था 4 सेकंड दिया था टॉर्क, और डाइपोल लेंथ दिया था, डाइपोल लेंथ 2 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को फॉर्मूला पता है, टॉर्क इक्वल टू 2e पी साइन 2p साइन कितना होगा यहाँ पे साइन है वाला, तो टॉर्क यहाँ पे दिया था 4, तो e दिया था 2 × 5 डाइप, p होगा हम लोग का डाइपोल मोमेंट जिसके लिए हम लिखते हैं लेंथ इंटू चार्ज। तो हम लोग यहाँ पे चार्ज निकालने के लिए बोला था मैग्नेटो डाइपोल, हम लोग क्यों निकालना पड़ेगा, इधर से लेंथ इंटू क्यू लिख लेते हैं, तो साइन 30 डिग्री का मतलब 1/2 होगा, तो यहाँ से लिख लेते हैं यहाँ पे एल होगा 2 सेंटीमीटर, ऊपर में 100 मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ये 2 ऊपर जाएगा, जैसे क्यू हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो इधर से देख सकते हैं, देखिए 3 ऊपर में 2 हो जाएगा, 10 माइनस 3 आएगा, इधर देख सकते हैं तो होगा 10 × 2 − 3 क्यू, तो क्यू का यूनिट हम लोग क्या मिलेगा 2 मिली, बोलो ये वाला होगा 2 का सोल्यूशन। तो हम लोग पहले 1 का सोल्यूशन कर लिया है, तो आप लोग ऊपर का वीडियो देख सकते हैं जाके। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे, उसमें दिया हुआ क्या, रेडियस दिया था सोप का, और लिख लेते हैं 2 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 × 10⁻² होगा। उसके बाद सरफेस टेंशन दिया था, ये लिख लेते हैं 0.03 मीटर। आप लोग ऊपर क्वेश्चन देख सकते हैं, ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोग देख सकते हैं। तो उसके बाद हम लोगों को क्या पूछा था, इसमें एनर्जी लिख पूछा था, तो हम लोगों को सरफेस टेंशन एनर्जी कैसे मिलेगा, आप लोग देखिए हम लोग एनर्जी का फॉर्मूला था टेंशन इंटू एरिया, तो वाला टेंशन कितना दिया था, और सबके लिए 2 × एरिया होगा, एरिया 4πr³ ये वाला क्यू टू होगा, डबल सरफेस है सब के लिए, इधर से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं 2 × 4π³ 3.8 × 4 × 10⁻⁴ ये वाला हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको ये वाला कैलकुलेट करने के बाद आएगा 3 × 1 0 1 4 × 10⁻⁴, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 10 × 1 4 1 × 10⁻⁴ जूल, तो आंसर हो जाएगा 4, क्वेश्चन में दिया आंसर 4 हो जाएगा। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं, तो उसमें दिया हुआ है वेट सस्पेंडेड है, ये वेट सस्पेंडेड है सीलिंग से, तो इसमें हम लोगों को पूछा है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अक्रॉस एरिया का वायर का एरिया दिया है ए, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पूछा है हम लोगों को अक्रॉस का वायर में, तो हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या बताया आप लोगों को पकड़ लेते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है वेट मतलब फोर्स बाय एरिया, तो इधर से फोर्स कितना दिया हुआ है डब्ल्यू और एरिया है ए, तो आंसर क्या हो जाएगा डब्ल्यू बाय ए, आंसर ऑप्शन होगा 3। यहाँ पर फाइनल में क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग, तो उसमें दिया हुआ है डिस्टेंस लाइट ट्रेवल, डिस्टेंस दिया हुआ है 2 डिस्टेंस दिया हुआ है, पहले डिस्टेंस दिया हुआ है एक्स, इसमें टाइम कितना लगा है टाइम टाइम टी वन, और डिस्टेंस सेकंड डिस्टेंस में दिया हुआ है 10 एक्स, उसमें टाइम लगा है का T2। तो हम लोग को पूछा है क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या है, साइन क्रिटिकल ये वाला लिख लेते हैं, तो इधर इसको होता है आपका डेंसर मीडियम टेंसर रेयरर, तो इधर क्या हो जाएगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का रेडिया डेंसर बेरिया वो जाएगा आप लोगों का साइन क्रिटिकल एंगल, तो इधर से हम लोग को ए वाला फॉर्मूला क्या दिया हुआ है आप लोग देख सकते हैं, क्रिटिकल एंगल का क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला दिया है स्पीड ऑफ लाइट अपन स्पीड ऑफ मीडियम, तो इस ए वाला स्पीड ऑफ मीडियम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और स्पीड ऑफ मीडियम क्या है डिस्टेंस बाय टाइम हुआ, तो इधर से हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन सी रिफ्लेक्ट ऑफ मीडियम के लिए हम लोग पहले कितना था T1 होगा ए वाला हम लोगों के लिए, इसके लिए 1/V1 और ए वाला V2, तो इधर से हम लोग लिख सकते हैं V2/V1,
आप लोग देख सकते हैं। तो इधर आएगा V2 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, V2 है ये वाला V2, तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे V2 डिस्टेंस, डिस्टेंस 10x इनटू टाइम कितना होगा, डिस्टेंस बाय टाइम T2, और V2 के x बाई T1। तो इधर से हम लोग कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं 10 T1 बाई T2। तो इधर से आप लोग देख सकते हैं, तो इधर से क्या आएगा साइन, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या आएगा, साइन इन्वर्स ऑफ 10 T1 बाई 10 T2, ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है हम लोगों का 1 में, तो आंसर हो जाएगा 1।